नहीं, आज से करीब 20 दिन पहले एक व्यक्ति के साथ लूटकांड करते हुए हत्या हो गई थी उसकी। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपनी में ये काम करता था, कलेक्शन एजेंट था ये पिंटू कुमार, और टाउन थाना अंतर्गत सुभाष चौक है वहाँ पे ये मोटरसाइकिल से जा रहा था तो अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मार के इसकी हत्या कर दी थी। इसका जो टैब है, इसकी मोटरसाइकिल है, वो सब लूट लिया था। ये ब्लाइंड केस था और दिन में हुआ था। इसको एक चैलेंज के रूप में लेते हुए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इसमें टाउन एसएचओ, मटियानी एसएचओ, बछवाड़ा एसएचओ और भी हमारे लोग थे। बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। आसपास शहर में और गांव में भी जितने सीसीटीवी कैमरा लगे थे सभी की पुलिस ने चेक की। टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस का पूरा सहारा लिया हमने और कल इसमें एक बड़ी उपलब्धि हुई है। इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 13 जिंदा कारतूस और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसकी लूटी हुई मोटरसाइकिल, उसका लूटा हुआ बायोमेट्रिक मशीन, उसका लूटा हुआ टैब, ये सभी पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए, ये पूरी घटना जो है इसका सूत्रधार है नेपाली। इसका नाम कुंदन कुमार उर्फ नेपाली है। ये लोहिया नगर थाने का रहने वाला है। इसकी जो माँ है वो जहाँ से ये फाइनेंशियल एजेंट वाला कलेक्शन करके आता था, इसकी माँ भी उस ग्रुप में जुड़ी हुई थी, वो भी पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करती थी। तो उसका ये बेटा जो है कुंदन नेपाली, इसको पूरी जानकारी थी कि वो लड़का आता है और कब कब पैसा किस रास्ते से लेके जाता है। कुंदन नेपाली ने संपर्क किया अपने एक दोस्त थे चंदन से, चंदन मटियानी का रहने वाला है। ये सभी लोग कहीं ना कहीं जेल में मुलाकात कर चुके हैं जेल में जब ये लोग थे, और चंदन ने संपर्क किया शंकर कुमार से। ये शंकर कुमार बछवाड़ा का एक बड़ा अपराधी है वहाँ का। ये बछवाड़ा थाने की जो टॉप टेन अपराधियों की लिस्ट बनी है उसमें भी है, ये शामिल है शंकर, और सूरज भी इनका अन्य सहयोगी है। और इसके अलावा इनका एक अन्य सहयोगी है, उसका नाम भी कुंदन है। ये कुल मिला के 5 लोग घटनास्थल पे थे और इन्हीं लोगों ने घेर के उसको गोली मारी थी। सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और ये जो मोटरसाइकिल जिसकी लूटी गई थी और जो टैबलेट लूटा गया था, बायोमेट्रिक मशीन लूटी गई थी, वो इन्हीं लोगों के घरों से पुलिस ने बरामद की है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं ये पूरे गैंग की अरेस्टिंग हुई है और ये गैंग इस सभी लोगों पे, 5 लोगों पे ढेर सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और हम लोगों ने इनका रिकॉर्ड चेक किया है तो ये लोग पहले भी जेल में सब रह चुके हैं। जेल में ही रहने के दौरान इनका ये गैंग बना है, पूरी दोस्ती हुई है। पूरे गैंग को अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। टूटा हुआ सामान बरामद कर लिया है और इस घटना के उद्भेदन से ये एक चैलेंजिंग केस था हम लोग के लिए और पुलिस ने इसको 20 दिन में पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। महिला की गिरफ्तारी हुई है सर? देखिए, महिला की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, उस पर बिंदु पे अलग से जांच की जाएगी, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। रुपये की भी लूट हुई थी क्या इस मामले? इसमें रुपया की लूट जो हुई थी इसमें रुपया हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन जितना भी सारा सामान था उसका, इलेक्ट्रॉनिक सामान था, वो पुलिस को मिल गया है पूरी तरीके से। और पूछताछ में पता चला है कि जो भी रुपया इन लोगों ने लूटा था, इन लोगों ने कंज्यूम कर दिया है, खर्च कर दिया है। पहले कौन अरेस्ट हुआ? इधर देखो।